हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी सो गाइस आज की वीडियो में हम जूरिजिक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमने पिछली वीडियो में सेक्शन वन से एट किया था आज हम लेंगे सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन रिलेट करता है जुरिजडिक्शन से यहां से हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है सी सी का और सेक्शन नाइन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा प्रलिम मेल्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो जूरजडिक्शन जब हम बात करते हैं तो कई बार मेंस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी तरह की जुरस्डिक्शन है व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुरुस्डिक्शन तो मैं मेंस आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन इसी में ले लेती हूँ देखिए कैसे अटैम्प्ट करना है चार तरह की जुरिस्डिक्शन होती है सबसे पहले है टेरिटोरियल और लोकल जुरिस्डिक्शन ये हम सेक्शन पंद्रह में आगे पढ़ेंगे मैं आपको वैसे बता देती हूँ हर कोर्ट की कुछ सीमा होती है यानी कि उस लिमिट के अंदर जितने भी केस होंगे वो केस या तो अगर वो पर्सन यानि कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट रह रहा है वो हो सकती है लिमिट या जो सब्जेक्ट मैटर है यानी कि प्रॉपर्टी आपकी कहाँ रिलेट करती है उससे भी रिलेट करता है ठीक है आगे आने वाले सेक्शंस में ये पूरा एक्सप्लेन होगा आप अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा अगर टाइप्स या काइंड पूछ लेते हैं तो टेरिटोरियल में Every court has its own local or territorial limits, beyond which it cannot exercise its jurisdiction. yani ki कि उससे बाहर आप aapki आपकी नहीं है और लिमिट कौन फिक्स करता है ऑब्वियसली गवर्नमेंट ठीक है ए कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड बियॉन्ड इट्स लोकल लिमिट्स यानी कि सब्जेक्ट मैटर जो है वहीं पे होना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर क्या है इमोवेबल प्रॉपर्टी सेकेंड में बात करता है पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की यानी कि हम सेक्शन छः हमने किया था पहली वाली वीडियो में तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट है उसकी लिमिट होती है सपोज ग्यारह हज़ार की है द, दस हज़ार की है और ग्यारह हज़ार का केस आता है तो वो नहीं लेगी कोर्ट प्रोवाइड्स दैट अ कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन ओनली ओवर दो सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच डज़ नॉट एक्सीड पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन यानी कि पैक्यूनरी जो उसकी लिमिट हैं वो तय की गई हैं ठीक है और उससे जो एक्सीड अगर कर जाता है केस तो वो कोर्ट जो है नहीं लेता उसकी जुरिस्डिक्शन से वो बाहर है जैसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है तो वो किसी भी पैक्यूनरी लिमिट्स को क्रॉस करके भी यानी कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है तो वो अनलिमिटेड है उनकी पावर रिगार्डिंग पैक्यूनरी लिमिटेशंस ठीक है थर्ड आता है जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर यानी कि सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी जुरिस्डिक्शन आपको पता होगा जैसे डिवोर्स केस वगैरह या कोई भी मैट्रीमोनियल केस है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही लेता है उसके जुरस्डिक्शन आप किसी और कोर्ट में नहीं जाते हो तो उस एग्जाम्पल से याद रखिएगा सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन यानी कि डिफरेंट कोर्ट्स हैव बीन एम्पावर टू डिसाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स यानी कि डिवोर्स केसेस प्रोबेट यानी कि विल वगैरह से रिलेटेड टेस्टामेंट्री प्रोसीडिंग तो केवल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर सिविल जज के पास ही जुरुस्डिक्शन होती है और फोर्थ सिंपल है ओरिजिनल एंड एपीलेट जुरस्डिक्शन यानी कि आप ओरिजिनल में जहाँ आपके पास डायरेक्ट सूट आ रहा है इंस्टीट्यूट हुआ है वो जुरिसडिक्शन और एपीलेट में आपको पता है जब आप अपील करते हैं तो वो एपीलेट जुरिसडिक्शन तो चार तरह की टाइप्स हो गई ये क्वेश्चन आ जाता है मेंस में इसलिए मैंने इसी में कवर कर लिया अलग से इसकी वीडियो नहीं बनाई ठीक है उसके बाद आता है हमारा मेन सेक्शन सेक्शन नाइन कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल देखिए अनफोर्समेंट करवाना सिविल राइट right को आपका कोई हक है सिविल से रिलेटेड उसको एनफोर्स करवाना कोर्ट में ये बात करता है सेक्शन नाइन ठीक है अब देखिए सिविल राइट्स क्या होते हैं अगर कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्या वो भी केस में होंगे या सिविल राइट right में नहीं आएंगे ये सब सेक्शन नाइन में आपको पता चलेगा एन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट और सिविल ऑब्लिगेशन दैट इज राइट और ऑब्लीगेशन ऑफ सिटीजन इतना समझ में आ गया यानी कि उसके अधिकार उसकी ओब्लीगेशन किसी सिटीजन की उनको एन्फोर्स करवाना राइट्स विच आर नॉट इनहेरेंट इन ए पर्सन अ सिटीजन ऑफ स्टेट बट एग्जिस्ट ओनली बाय वर्च्यू ऑफिस ब्रिंग अ मेंबर बींग अ मेंबर ऑफ अ स्टेट और रिलीजियस कम्युनिटी आर नॉट सिविल राइट्स देखिए क्या कह रहा है राइट्स जो हैं एक पर्सन में ना होकर विच आर नॉट इनहेरेंट नहीं हैं, बल्कि कैसे हैं एक स्टेट के सिटीज़न के तहत तो तो वो हैं सिविल राइट्स लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करते हैं एक रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करने पे, तो वो राइट्स सिविल राइट्स नहीं होंगे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ जैसे कोई आ, क्वेश्चन है रिगार्डिंग कास्ट या प्योरली कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज या कोई डिग्निटी और ऑनर का क्वेश्चन है तो वो सभी जो हैं आपके एक स्टेट के सिटीज़न होने के नाते राइट्स नहीं आए हैं बल्कि आप किसी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं इसीलिए आपके पास वो राइट हैं तो वो जो सूट हैं वो सिविल नेचर के नहीं होंगे इसमें ये आपको इंट्रोडक्शन बता रहा है कि सिविल जो सूट्स हैं वो क्या होंगे तो दोबारा बता देती हूँ जो राइट्स इनहेरेंट हैं आप में जो अधिकार आपको एक नागरिक होने के नाते स्टेट ने दिए हैं जो इनहेरेंट नहीं हैं आप किसी स्टेट के नागरिक हैं सिटीज़न हैं तब आपको मिले हैं लेकिन अगर आपको वो किसी रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर होने से मिलते हैं तो वो सिविल राइट्स नहीं होंगे ठीक है ये बात करता है सिविल सूट्स की और फॉलो करता है ये बात कि अगर यानी कि इसी को मैं आगे ले रही हूँ रिलीजियस कम्युनिटी के राइट्स को कि सपोज कीजिए प्रिंसिपल क्वेश्चन तो आपका किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है यानी कि सपोज एक जमीन है ठीक है उसका अधिकार आपको अब लेना है एज अ हेयर कि भाई ये मेरे नाम की जाए क्योंकि मैं इसका हेयर हूँ उससे कुछ जो क्वेश्चन है वो अराइज हो रहा है रिगार्डिंग बीइंग अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी यानी कि वो मेन क्वेश्चन नहीं है वो एक साथ में जुड़ता क्वेश्चन है जो वो भी सॉल्व होना चाहिए तब उस केस में वो सिविल नेचर उस सूट का हो जाएगा यानी कि सेक्शन नो उसे लेगा तब वो हो सकता है अगर प्रॉपर वही क्वेश्चन है रिलेटेड यानी कि रिलीजियस कम्युनिटी या स्टेट के मेंबर होने से तो वो नहीं लेगा साथ में लगता हुआ अगर ये क्वेश्चन उठता है मेन मुद्दे से तो आप ले सकते हैं मेन ही मुद्दा ये है तो आप नहीं ले सकते इट फॉलोज दैट अट इज ऑफ सिविल नेचर इफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन इन सूट रिलेट्स टू सिविल राइट और राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट विच डेटरमाइन वेदर और नॉट अ सूट इज वन ऑफ सिविल नेचर ठीक है सब्जेक्ट मैटर ने किया यानी कि सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपको नाम करवानी है अपने वही सब्जेक्ट मैटर हुआ वो डिसाइड करेगी ठीक है तो एक बार सेक्शन को पढ़ लेते हैं कोट्स शेल हैव यू रिजिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड यानि कि कोई अगर सूट है वो बार है एक्सप्रेसली यानी कि डायरेक्ट ही दिया हुआ है कि ये जो है सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा तो ठीक तो है या फिर इम्प्लाइडली अब इम्प्लाइडली आपको पता लगाना पड़ेगा इम्प्लाइडली क्या वो एक्ट कह रहा है या नहीं क्योंकि एक्सप्रेसली तो डायरेक्ट लिख देते हैं और इम्प्लाइडली का मतलब होता है एक्सप्रेसली इनडायरेक्टली वो चीज़ आई है एक्सप्रेसली ना होकर वो इनडायरेक्ट चीज़ आई है तो अगर इन दोनों में बार नहीं करता तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होती है सिविल नेचर के सूट्स को ट्राई करने की टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर सिंपल एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रही है कि कोई सूट है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी है या कोई ऑफिस है यानी कि आपको कोई प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाना है या किसी ऑफिस पे तो वो क्या है ऑब्वियसली सिविल नेचर है तो बेशक उसके साथ में एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है जो बात कर रहा है रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज की यानी कि मेन क्वेश्चन जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस का यानी कि कब्जे का कि इस प्रॉपर्टी पे हक है या इस ऑफिस पे है लेकिन एक और उसके साथ क्वेश्चन अगर जुड़ गया कि रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज वाला तब भी ये सिविल नेचर का रहेगा क्योंकि मेन मुद्दा क्या है राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस का देखिए एक्सप्लेनेशन शोज दैट द प्रिंसिपल और ओनली क्वेश्चन इन द सूट रिलेट्स टू कास्ट क्वेश्चन Or to religious rites or ceremonies, the suit is not of a civil nature. theek hai kyunki keval usse kar raha hai baat caste question hai religious rites ceremony hai Since तो वो किसका है suit civil nature का नहीं है मैंने आपको बताया. Since it deals not with rights of person क्योंकि वो किसी person के rights से deal नहीं करता. बट विद मैटर्स प्योरली सोशल ठीक है क्वेश्चन कैसा है जो सोशली जुड़ा है सिविल नेचर का नहीं है बट वेन कास्ट ओ क्वेश्चन और क्वेश्चन रिलेटिंग टू रिलीजियस राइट सेरेमनीज इज नॉट द प्रिंसिपल ठीक है प्रिंसिपल क्वेश्चन वो नहीं है बट ओनली ए सब्सिडरी क्वेश्चन इन द सूट समझ में आया यानि कि मेन जो क्वेश्चन है वो नहीं है केवल उससे जुड़ा हुआ सब्सिडरी क्वेश्चन है मेन मुद्दे पे सिविल नेचर के मेन मुद्दे पे एग्जाम्पल ले रखा है इट रिलेट्स टू राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफ एन ऑफिस एक्सप्लेनेशन वन में ही है ये ठीक है एनी सिविल राइट एंड सच क्वेश्चन ऑफ सिविल नेचर कांट बी डिसाइडेड विदाउट डिसाइडिंग द्वेश कास्ट क्वेश्चन यानी कि इनके क्वेश्चन इनके राइट को सॉल्व करने के लिए आपको कास्ट वाला क्वेश्चन या रिलीजियस राइट सेरेमनीज वाला क्वेश्चन भी डिसाइड करना है तो वो किस में आएगा सिविल नेचर में ठीक है यानि कि वो किसी मेन मुद्दे से जुड़ जाते हैं तो वो भी सिविल नेचर में आ सकते हैं अगर उन उनका एक क्वेश्चन है तो वो नहीं आते सिंपल एक बात है द कोर्ट हैज द पार्ट टू डिटरमाइन द कास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन रिलेटिंग टू रिलीजियस राइट और सेरेमनीज टू इनेबल इट टू डिसाइड प्रिंसिपल क्वेश्चन ठीक है समझ में आपको आया होगा आई थिंक अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट में बताइएगा मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस सेक्शन को बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा एक्सप्लेनेशन टू कह रही है इस सेक्शन में ये बात इमेटीरियल है कोई मतलब नहीं रखती कि उस ऑफिस से यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस थी एक्सप्लेनेशन वन में अगर वो किसी फीस से रिलेट करती है या नहीं ठीक है और वो ऑफिस किसी जगह से रिलेट करता है या नहीं मेनली एक्सप्लेनेशन टू में फीस और पर्टिकुलर प्लेस दोनों को मार्क कर लेना ये दो की वर्ड हैं इसमें फीस और पर्टिकुलर प्लेस से अटैच है या नहीं तब भी वो किस रहे में रहेगा सिविल नेचर में केस में यहां पे ले रही हूं पी एम ए मेट्रोपोलिटन वर्सेज एम एम मार्थाफन नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट ये आप कह लीजिए इसमें लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन uh, 9 पे लिख लीजिएगा इसे बेशक से तो इस जो केस में बताया था कि जो नेचर डिफाइंड किया है नेचर क्या सिविल नेचर वो है एक फंडामेंटल क्वालिटी उस पर्सन की यानी कि पर्सन से भी तो रिलेट सिविल नेचर कोई हो सकता है सूट का या थिंग प्रॉपर्टी आइडेंटिटी और असेंशियल कैरेक्टर सोर्ट काइंड कैरेक्टर ठीक है और सिविल नेचर की जो टर्म है वो सिविल प्रोसीडिंग से बहुत वाइड है क्यों क्योंकि सिविल नेचर में वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो शायद अकेले सॉल्व ना किए जाते एज अ सिविल सूट यानी कि रिलीजियस राइट सेरेमनीज कास्ट क्वेश्चंस अकेले नहीं लिए जाते लेकिन क्यों क्योंकि ये मेन मुद्दे से जुड़े इसीलिए वाइडर हो गई सिविल नेचर की डेफिनेशन किससे सिविल प्रोसीडिंग से तो ये जो केस है मेनली इसी पे बात करता है जब मैं ओ सी के सारे केस उठाऊंगी तो आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी अभी के लिए आप ये ज़रूर लिख लेना डेरेक्ट में ही मार्क कर इसको लिख लेना ताकि आपको जब भी पढ़ें रिविजन लें तो ये आपको ज़रूर आए पी एम ए मेट्रोपोलिटन वर्सेज एम एम मारथफना 1995 सुप्रीम कोर्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट केस ठीक है और मैं आपको सिविल नेचर के जो सूट्स हैं उनका बता दूं जैसे राइट टू प्रॉपर्टी और वर्शिप का अधिकार और राइट टू शेयर इन ऑफरिंग या सिविल रॉन्ग में डैमेज स्पेसिफिक रिलीफ आरसीआर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज रेंट अकाउंट हेरिडिटरी ऑफिस ये सभी जो हैं सिविल नेचर के हैं और सिविल नेचर के कौन से नहीं हैं तो कास्ट क्वेश्चन रिलीजियस राइट्स और सेरामनीज़ तो ये सभी किस चीज़ से हैं सिविल नेचर के नहीं हैं ठीक है सिंपल है और आई होप आपको ये चीज़ सेक्शन नाइन समझ में आया होगा जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग बहुत इजी है ये और इम्पॉर्टेंट भी है सीपीसी सी में ठीक है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू